तो ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही साथ सामने इंस्टाग्राम हैंडल भी लिखा रहा, और नीचे भी सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक वगैरह दे रखे हैं मैंने, वहाँ पे आ गया यार प्लीज़ फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे भी। अगर आप कोई भी गाड़ी लेना चाहते हो और कुछ भी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो, वहाँ पे आप भाई आगे मुझसे पूछ सकते हो सीधा, मैं सबके रिप्लाई देता रहता हूँ, A to Z सबके रिप्लाई देता हूँ मैं। उसको चला के ऐसे नहीं लगा कि हाँ गाड़ी चला रहे हैं कुछ, ठीक है। स्टीयरिंग भी हार्ड सा लगा मुझे, और उसके कंपेयर में तो स्विफ्ट का स्टीयरिंग हल्का बहुत, उससे तो हल्का इसका स्टीयरिंग है। बलेनो का ये जितनी ठंडी है उसको गर्म नहीं होने देगा, हवा आई तो फ्री थोड़ी है। ड्राइव वैसी है, बिल्कुल लीनियर है, बिल्कुल बलेनो जैसी है इसकी ड्राइव। मतलब बलेनो से थोड़ी सी, मतलब वो 19 से 20 है चलाने। मैंने नेक्सॉन भी चलाई है, वो सीधा सर मारती है पीछे एकदम से, एक जैसे RPM उठती है ना। अच्छा अच्छा। वो पीछे सर मार देती है एकदम से, इतनी थे मतलब एकदम से पंच आता उसमें, तो वो खतरनाक चीज़ लगती है एकदम से, कि एकदम से पावर समझ लेना किसी से। तो गाड़ी घर में मैं चलाता हूँ और कोई चलाता नहीं। मैं मतलब मैं चला रहा हूँ तो पता है कोई एकदम से कोई और बैठा चलाने के लिए, कोई हल्की गाड़ी से ऊपर आया एकदम। हाँ उसमें थोड़ा सा दिक्कत। हाँ वो तो मतलब उससे बचेगी सीधा फिर वो। ये वाला कितने का वेरिएंट है इसमें, टॉप वाला है? ये ZX5 प्लस है। इसमें TCS लग जाता होगा ना, 999 से ऊपर होगा शायद। आपको कहाँ का नंबर लेना गाड़ी का? दिल्ली का, यूपी का भी मिल जाता, ले सकते हैं, यूपी में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिल्ली नंबर ही बताओ, सेम ही है उसे दिल्ली। अच्छा, 3-4 हज़ार का ही फर्क है ना, 6 लाख से ज़्यादा, 1000-2000 रुपये का। 11-28 का है ये वाला, 11 लाख 28 हज़ार का। ZXI और इसमें फर्क क्या है? वो 1061 का है। फर्क क्या है उसमें? 1061 और 1128 क्रूज यहाँ में भी उसमें भी होगा। 69 का फर्क है। अच्छा, क्रूज यहाँ में भी उसमें भी होगा? नहीं उसमें ZXI में कहाँ है क्रूज कंट्रोल नहीं है।
स्पेस तो उसके ऐसा नहीं है, नेक्सॉन के हिसाब से उसकी सीट वो थी गद्दे जैसी। डीजल में आती थी जब हमने बलेनो ली थी। अच्छा हाँ 2018 में ली थी हमने बलेनो दिसंबर। पेट्रोल में तो बहुत अभी आई है, पेट्रोल में आ रही है। दिल्ली में रहने वाला पेट्रोल ही लेता है डीजल, क्योंकि उनकी रनिंग भी नहीं है मेरे ताऊ जी की। चले कंट्रोल है जड़क सही में है पार्किंग कैमरा इसके अंदर है, ट्विटर है, ये आर्मरेस्ट इसके अंदर है। आर्मरेस्ट तो लग जाएगी। हाँ ये लग जाएगी। कितने रुपए की? ये 3,500। अच्छा जैसे एक बात बताओ, ऑटो हेडलैम्प, लेदर स्टीयरिंग और आपका ऑटो हेडलैम्प तो बेकार है उसमें, हैगा बलेनो में टॉप मॉडल है बलेनो। उसका कोई ऐसा फर्क नहीं है बलेनो में। हमारे पास है अल्फा मॉडल में, अल्फा ही है ना अपने, तो उसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, उसको फायदा ही नहीं है। एक बस ये कन्वीनियंस हो जाती है कि चलते हुए बस ये लाइट ऑन नहीं करनी पड़ती, यही है बस। हाँ वही है बस, ये और कुछ नहीं, फालतू के फीचर है सारे। हाँ, ये बैठा है तो ऐसा करने में क्या हो रहा है उसका? ऑटोमेटिक वाइपर, ऑटोमेटिक वाइपर, रेन सेंसिंग वाइपर। हाँ वही, अरे बारिश आ रही है हाथ मार तो चलता रहेगा, ये नहीं होगा ना। और इसमें ये ऑटो प्रूफ, हाँ ये भी नहीं है, ये भी चला गया ऐसे नहीं लगा कि हाँ गाड़ी चला रहे हैं कुछ। एक स्टीयरिंग भी हार्ड सा लगा मुझे, और उसके कंपेयर में स्विफ्ट का स्टीयरिंग हल्का, बहुत उससे तो हल्का इसका स्टीयरिंग है। बलेनो का ये है कि मतलब चलती है तो चला है, बस चलते चला चलो उसको, जब तक चला रही है, चल रही है वो, जब तक चला दे चलो। इंजन के तो मामले में मारुति ने कभी धोखा खाया नहीं। मैं चला रहा हूँ वैगनआर, मेरी गाड़ी थोड़ी एक बार ही हुआ है कि फ्यूज उड़ गया था गाड़ी के इंजन का, जिससे बंद हो गई थी, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। सेल्फी ले रही थी जब भी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, बस वो फ्यूज ठीक करा वो फिर चल रही। पावर कितनी है? पावर कितनी है? 90 किलोवाट, 15 सीसी इंजन है ना।